जो हमारी असिस्टेंट है इस तरह अमित, तो ज़ाहिर है जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है वो थ्रू डिप्टी कमिश्नर पहुंचती है, डी एम पुलिस के असिस्टेंट करता है। तो दो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है हेल्थ फैसिलिटीज़ उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हुई, एक लस पहला है और एक चरमा सी। इसके अलावा वैसे भी अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ लें, कोई 740 फैसिलिटीज़ में हमारी 400 के करीब फंक्शन थी इससे पहले। उसकी वजह ये ह्यूमन रिसोर्स की है, तो हमने एडॉक पे रिक्रूटमेंट फाइनल कर ली है, तो सब रिमूव हुई है, जब वो अप्रूव होती है तो हमारी बाकी फैसिलिटीज़ भी फंक्शनल हो जाएंगी। इसके अलावा हमने इमरजेंसी मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट कर ली है, हमें NDMA ने भी सपोर्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने, हमें WHO ने सपोर्ट किया है, UNICEF ने सपोर्ट किया है। तो जहाँ कहीं हमें मेडिकल कैंप की ज़रूरत पड़ रही है हम वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ इलाकों में शिफ्ट करते जा रहे हैं। इस वक्त हमने लगभग 175 के करीब हेल्थ कैंप्स लगाए हैं और इसमें 45,000 के करीब पेशेंट्स ट्रीट हुए हैं। इन 45,000 में मैक्सिमम तादाद जो है ना वो गैस्ट्रो और जो डायरिया होता है और पेट कॉलरा, इनके पेशेंट्स ट्रीट हुए। इसके अलावा 11 ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं वो ट्रीट हुए हैं और बाकी जो नॉर्मल ये डिजीज़ होती है डेली बेस पे बुखार है या फिर कोई आम सी कोई डिजीज़ स्किन डिजीज़ ये ज़्यादा ट्रीट हुआ। तो आज की बात है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाए थे बलूचिस्तान, उनका शुक्रिया, उन्होंने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को खसूसी तौर पे डायरेक्शन दी है। दो दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मैं भी जलमक्सी गया था, जलमक्सी में एक जगह प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे प्रोएक्टिव है, तो जलमक्सी में एक जगह उनको नज़र आई, उन्होंने कहा लैंडिंग वही कर दें, वहाँ उन्होंने लैंडिंग कर दी। फिर लोगों से पूछा कि हेल्थ के कैंप्स लगे हैं कि नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक था कि वहाँ हम लोग पहले एक हेल्थ कैंप लगा चुके थे, उसी हेल्थ कैंप की रिस्पॉन्स पे वहाँ ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक बंदा वहाँ बोला कि हेल्थ कैंप लग चुका है लेकिन डॉक्टर्स वापस चले गए, मैं दोबारा डॉक्टरों की सुना था। तो फिर उसी दिन दोबारा अपने हेल्थ कैंप लगाया जो आज तक कंटिन्यू है, यानी कल परसों में लगाया था, कल भी कंटिन्यू था, आज भी कंटिन्यू था, मैं लेकर इतवार का दिन था फिर डॉक्टर्स ने बड़ा बड़े से कहा। तो आज रेलवे के DS निसार साहब ने मुझसे रब्ता किया है, कुछ साथ फिलहाल किसी इदारे ने हमें सपोर्ट के लिए मेरे से वैसे तो सर्टिफिकेट की किसी ने रब्ता नहीं किया। लसबेला में सिलानी ट्रस्ट ने राशन और बाकी कुक फूड ने सप्लाई किया है और एक मेडिकल कैंप सिलानी ने, बाकी NGOs या NGOs ने हमसे रब्ता नहीं किया है। अलबत्ता मुखैर हजरात इंफरादी कैपेसिटी में आज प्राइम मिनिस्टर साहब की फंक्शन के दौरान एक शख्स उठा, उन्होंने 2 करोड़ की मेडिसिन का ऐलान किया, वो मेडिसिन हमें कानवन का लिए परसों तक डिलीवर हो जाएंगे। इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट की अपनी कैपेसिटी अलहमदिल्ला बेहतर है, हमने कोई 7 करोड़ के करीब अपनी मेडिसिन प्रोक्योर की है कि जो तैयार है इमरजेंसी में कहीं भी हमें क्या हम हर वक्त बताए। अफराधी कुत की कमी को पूरा करने के लिए एक जो आपके सेहत के साथ रिलेटेड है, आपके अंडर तो नहीं लेकिन रिलेटेड है, जो पोलियो वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद है, तो उनको भी कोई कैंप्स में आप बिजी करने का कोई अगर पोलियो वर्कर्स से पोलियो वैक्सीन के लिए ट्रेंड है, उनको आप जो हेल्थ केयर के हवाले से ट्रीटमेंट होती है उनमें वो ट्रेंड नहीं होता है, तो इसके लिए स्पेशलाइज आपको टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है। तो हम ह्यूमन रिसोर्स की कमी पूरा करने के लिए 800 के करीब डॉक्टर्स की समरी चीफ मिनिस्टर साहब को भिजवाई है, उम्मीद है वो 1-2 दिन में अप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा इन टोटलिटी हम इंडिविजुअल जो हम कभी कहते हैं कि ये फैसिलिटी ठीक करे वो ठीक करे, उनको ठीक करने की ज़रूरत है तो सही, लेकिन हम एज अ होल अब हेल्थ डिपार्टमेंट को ले रहे हैं। हमने आज कॉन्फ्रेंस प्लान किया था जिस तरह आपको इलम है, आप UCC से आए थे, कल जो है ना हमने दोबारा उसको रिशेड्यूल किया प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट की वजह से, हम कंप्लीट सोल्यूशन देंगे हेल्थ डिपार्टमेंट
कि जो आने वाले 6 महीने में जो पूरा प्लान इम्प्लीमेंट होगा, उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी भी कोताही की कोई लिमिटेशन नहीं। इंशाल्लाह आपको अक्रॉस द बोर्ड पूरे सूबे में हर जगह हेल्थ की सहूलत। सर, बरसों में भी ये ईद के बाद जैसे ही बारिशें बढ़ गई, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पीली, उसे करना 30 से 50 किलो जिसकी वेट से कम हो रही थी, तो उसके बारे में सर आपकी टीम वहाँ पर गई है? बिल्कुल, बरसों हमारी टीम में गई है, डिप्टी DHO साहब खुद ही लीड करके गए हैं। बरसों और जो बाघ इलाका है इनके बीच में जाए उन्होंने कैंप लगाया है, लेकिन वो